माय किचन, आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ वो भी पिज्जा के बारे में। जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो कई बार वो बच जाता है तो नहीं खाने का मन करता है या लेफ्ट ओवर रह जाता है, तो हम उसको रीहीट करके कैसे यूज कर सकते हैं वो भी माइक्रोवेव में मैं करना बता रही हूँ आपको। 30 सेकेंड में हम कर लेंगे, ना तो उसकी वो हार्ड होगा ना ही उसकी क्रस्ट खराब होगी तो ऊपर की। तो सबसे पहले देखिए ये मेरे पास पिज्ज़ा है जो मैं इसको गर्म करूँगी। तो अब एक हम माइक्रोवेव प्रूफ प्लेट लेंगे तो उसमें हम अपना जो पिज्ज़ा है इसको करेंगे जितना आपने गर्म करना है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, एक जो कोई कप या ग्लास जो माइक्रोवेव प्रूफ हो वो लेना है और उसमें आधा कप भर के उसको इसमें रख देना है प्लेट के साथ ही। तो इसको 30 सेकेंड हम माइक्रोवेव मोड पे इसको रखेंगे। तो अब माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं। अपना ये पिज्जा रख दिया और पानी भी साथ में रख दिया आधा कप। तो हम माइक्रोवेव बंद करते हैं, 30 सेकेंड के लिए इसको ऑन कर देते हैं और 30 सेकेंड के बाद हम इसको निकालेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको पिज्जा स्टोर करने के बारे में भी बता रही हूँ, आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम पिज्जा निकाल के देखते हैं। अपने हो गया और अपने ये पिज्जा जो हमने गर्म करने के लिए रखा था अब इसको निकाल, बिल्कुल गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए ये सुबह का पिज्जा था, शाम के टाइम में इसको गर्म करी हूँ, बिल्कुल ये देख सकते हैं। 30 सेकेंड हमने रखा है, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप इसको 2 बार कर लीजिए गरम। तो ये देखिए हमारा हो गया, ये तो पिज्जा हमने कैसे गरम करा है, माइक्रोवेव में रीहीट करा। अब मैं आपको स्टोर करने के बारे में बता रही हूँ। प्लास्टिक का ये टाइट कंटेनर लेंगे जिसमें हमारा पिज्जा अरेंज हो सके, तो उसमें मैं ये इसको रख देती हूँ। ये देखिए इसको रख सकते हैं आप। इसको बंद करके अच्छी तरह से आप फ्रिज में रख दिए, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रख दिए, रख दीजिए। तो ये कम से कम जैसे आप रात को रख रहे हैं तो कल शाम तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इस मेथड से गर्म कर लीजिए तो आपका ये जो पिज्ज़ा ख़राब नहीं होगा, यूज भी हो जाएगा, रीहीट भी हो जाएगा, एज ए फ्रेश लुक देगा। तो ये अगर मेरी टिप आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।